हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज सिखाऊंगी एक और नई डिजाइन का डोरमेट। ये देखें, मैंने थोड़ा सा बना लिया है। इसमें देखें हमने कितनी कली बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कली बन चुकी हैं ये देखें। और 3 कलर मैंने लगाए हुए हैं। ये कलियां बहुत सुंदर लग रही हैं। इस तरह से आप अगर बनाएंगी, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए इसको बना लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 20 फिंदे डाले हैं। ऊपर की साइड मैंने अलग कलर से 10 फिंदे डाले हैं। तो इसी तरह से आप बड़ा छोटा कर सकती हैं। यहाँ पे जैसे आप 30 फिंदे डालेंगी तो ऊपर की साइड पे 15 फिंदे डालेंगे। जैसे 32 का है तो 16 डाल लेंगे। इस तरह से जोड़े के हिसाब से ये फिंदे चलेंगे, तो 32 नीचे 16 ऊपर। इसी तरह से आप बड़ा छोटा आप कर सकती हैं। तो टोटल मैं 30 फिंदे में बना रही हूँ इसको। तो देखें, शुरुआत से ही मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से आपको दो कलर में फिंदे डाल लेने हैं। अब देखें शुरुआत करना है किस तरह से। 10 फिंदे में से ऑरेंज कलर से मैं दो फिंदे बिनूंगी इस तरीके से। आप ध्यान से देखिएगा ताकि आप कली अच्छे से समझ सकें। अब दो फिंदे हम नीचे की साइड से बुन लेंगे, पिंक वाले। अब देखें इस तरह से ये ऊपर से भी कली चलेगी और नीचे से भी कली चलेगी, दोनों तरफ से ये कली चलेगी। नीचे की साइड आप ध्यान से देखिएगा, दो फिंदे बगैर बुने हुए छोड़ देना है। ये देखें दो फिंदे छोड़ दिए, तो सिलाई को यहीं से पलट लिया। ऊपर तक जो जैसा है वैसा ही बुन लेना है। फिर से देखें, अब 4 फिंदे हो जाएंगे। और यहाँ पे जो 10 फिंदे चल रहे हैं वो इसी तरह से 10 चलते रहेंगे बीच में। अभी 8 फिंदे बुने, ये देखें ग्रीन कलर से। अब दो फिंदे हमने नीचे की तरफ से बुन लिए तो 10 हो गए। और पिंक से नीचे की साइड पे दो दो फिंदे छोड़ते जाना है। ये देखो दो छोड़ दिए, सिलाई को पलट लिया है। अब ऊपर तक जो जैसा कलर है वैसा ही बुनना है। अब यहाँ पे देखें, अब 6 फिंदे हो जाएंगे इस तरीके से। नीचे की साइड से देखें पिंक वाले ग्रीन दो फिंदे हो जाएंगे, और दो फिंदे हम इस वाले कलर से नीचे की साइड पे बगैर बुने हुए छोड़ देंगे। और सिलाई को पलट लेना है, जो जैसा कलर है वैसा ही ऊपर तक बुन लेना। फिर से देखें 6, अब 8 फिंदे हो जाएंगे। इसको भी हम नीचे की साइड यहाँ से इतना कर लेंगे, दो फिंदे और ग्रीन कलर से बुन लेंगे और दो नीचे की साइड पे और छोड़ देंगे। तो मैं इतना कर लेती हूँ, फिर आपको देखिए देखो कितनी बार हमने नीचे की साइड फिंदे छोड़े हैं। 1 2 3 4 4 बार छोड़ दिए हैं बाकी फिंदे इस तरह से। ये कली यहाँ तक आ गई, अभी ये 4 फिंदे बचे हुए हैं। तो आप देख सकती हैं कि आगे हम किस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें पूरे 10 फिंदे हो जाएंगे। ये लास्ट की है सिलाई, तो आप लास्ट का ध्यान से देखें ताकि आप अच्छे से बना सकें। दो फिंदे और बिन लिए। अब यहाँ से देखें, यहाँ से ये वाला कलर लग जाएगा। 10 फिंदे हमने ऊपर कर लिए, अब ग्रीन कलर को लगा लिया। ये देखें इस तरीके से अब सारे फिंदे ग्रीन हो जाएंगे।
इस तरीके से। अब यहाँ से कली बनना दूसरी स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखें जिस तरह से मैंने फिंदे डाले हुए थे उसी तरह से ये फिंदे आ गए हैं। ये कली पूरी कंप्लीट हो गई, ये वाली कंप्लीट हो गई। अब देखें आगे हम किस तरह से बनाएंगे, आप एक बार और देख लें ताकि आप अच्छे से बना सकें। तो पूरी रो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब फिर से देखें कली को स्टार्ट फिर से करना है तो ऊपर की साइड ये वाला ग्रीन कलर लगा लेंगे और दो फिंदे हम इस वाले कलर से बुन लेंगे। जिस तरह से हमने नीचे बनाया है उसी तरह से बनाना है, तरीका सेम है। यहाँ पे हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, जैसा है वैसा ही बनाना है। ये देखें दो फिंदे हमने कली वाले में से बुना लिए और नीचे की साइड से हम दो फिंदे बगैर बुने हुए छोड़ते जाएंगे। तो इसी तरह से इसको बनाना है तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे तो ये कली कली बनती जाएगी और ये पूरा सर्कल में तैयार हो जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखो मैंने बना लिया है, अब इसको मैं सिलना बताऊंगी। तो सिलेंगे किस तरह से, ये देखो इस तरह से मिलाते हुए इसको सिल ले रहे हैं। तो मैं सिल लेती हूँ फिर। मैंने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है।